हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक विद अंजलि। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही यूनिक और एकदम खास मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है डुल्स डे लीचे कलाकंद। डुल्स डे लीचे कलाकंद बेसिकली कैरामलाइज्ड मिल्क होता है और यह बाज़ार में आसानी से मिल जाता है, लेकिन यदि आपको नहीं मिलता है तो घर में भी बनाना इसे बहुत आसान है। डुल्स डे लीचे घर में बनाने के लिए सबसे पहले ये एक कंडेंस मिल्क ले और इस कैन को बिना ओपन किए हुए और इसका जितना भी ये रैपर है इसको रिमूव कर दे। फिर इसे एक कुकर में डाले और इसके एक इंच ऊपर तक पानी भरे। उसके बाद जो है कुकर को बंद कर दे और हाई हीट पर उसको एक स्टीम आने दे। फिर उसके बाद हीट लो करके 40 मिनट तक इसको रहने दें, पकने दें अच्छे से। फिर आफ्टर 40 मिनट्स कुकर ओपन करें और ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद जब आप ये कैन खोलेंगे तो इसका कलर जो है ऐसा हो जाता है। ये मैंने घर में बनाकर पहले से ही रखा है, अब इसको जो है कलाकंद बनाने में इसका यूज करेंगे। डुल्स डे लीचे के बाद और कलाकंद बनाने के लिए क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। ये घर का निकाला हुआ छेना है। छेने की रेसिपी मैंने अपने रसगुल्ला का वीडियो में दिखाया है, आप जो है वहाँ से आप देख सकते हैं कि होममेड छेना कैसे बनाते हैं। तो ये अराउंड 8 कप मिल्क का निकाला हुआ छेना है। ये मिल्क है 1 कप, ये चीनी है 1/2 कप, लेकिन यह ऑप्शनल है, टेस्ट के हिसाब से डालेंगे ज़रूरत हुई तो, क्योंकि ये ऑलरेडी मीठा होता है। और ये कुछ पिस्ता और बादाम है जो गार्निशिंग के लिए है, और ये फ्यू ड्रॉप्स रोज एसेंस है। तो चलिए अब फटाफट कलाकंद बनाना स्टार्ट करते हैं। कलाकंद बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल ले, उसमें ये छेना डालें और उसको अपने हाथों से अच्छे से मैश कर ले। जो ऑथेंटिक स्टाइल के जो कलाकंद बनते हैं उसमें बहुत टाइम लग जाता है। दूध को पहले घंटों जला जला कर उसका खोआ बनाते हैं, लेकिन ये मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बना रही हूँ जो बहुत जल्दी बनता है। ये अच्छे से मैश हो गया, मैं दूध मिक्स करें। इसके बाद इसमें डुल्स डे लीचे डालें। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें। और अभी आप चीनी नहीं डालिएगा क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत मीठा होता है, अगर ज़रूरत होगी तभी चीनी डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। देखिए बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है, मैंने इसे टेस्ट किया है, चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी मीठा है। आप भी टेस्ट कर ले, अगर लगे तभी चीनी डालिएगा, नहीं तो नहीं डालिएगा। अब जो है इसे आगे अब इसको कुक करना है। पैन को गर्म होने के लिए रखा है, अब इसमें ये सब मिश्रण को डाल देंगे। डालने के बाद इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। कलाकंद रेडी हो गया है, अब मैं गैस ऑफ कर दे रही हूँ और इसे ऐसे ही कंटिन्यू चलाते चलाते इसको ठंडा कर लेंगे, उसके बाद इसको जमाएंगे। देखिए अब ये ठंडा हो गया है, इसको सेट करने से पहले इसमें रोज एसेंस मिक्स करेंगे और अच्छे से चलाएंगे। उसके बाद आप कोई भी ऐसे प्लेट या ट्रे कुछ को भी ग्रीस करके उसमें ये मिक्सचर डाल करके उसको सेट होने के लिए 1 से 2 घंटे के लिए रख दें। मैंने ये ट्रे को पहले से ही रेडी करके रखा है, अभी ये सब कलाकंद का मिक्सचर इसमें डालेंगे। अच्छे से फैलाएंगे
और फिर इसको एक दो घंटे के लिए इसको ऐसे ही रख देंगे जब तक कि अच्छे से पूरा सेट ना हो जाए। कलाकंद को अच्छे से फैला दी हूँ, अब इसको गार्निश करेंगे। कलाकंद मेरा रेडी है, लेकिन अभी इसे कट नहीं करेंगे। अभी इसको अच्छे से ठंडा होने के बाद ही इसको सेट होने में कम से कम 2 से 3 घंटे लगेंगे, उसके बाद ही इसको कट करेंगे। 2 से 3 घंटे हो गए हैं, मेरा कलाकंद अच्छे से जम गया है। मैंने इसे ट्रे से बाहर निकाल लिया है कि इसको अच्छे से मैं कट कर लूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर का कलाकंद का रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और आपका फीडबैक मुझे दीजिए, और साथ ही साथ और भी नए नए रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में लाइक कमेंट और शेयर भी करें।